ગોપીઓની શું ખબર છે? કઈ હાલચાલ મળ્યા? વૈસે તો ધવલકુમાર ભી ઉસકે સાથ ગયા હે ના? હા બા, ધવલજી માત્ર ગોપીઓ કે લીએ હી વહાં ગયે હે. બા, જ્યાં સુધી ગોપીની મામીજી છે ઉસકા કોઈ કુછ બિગાડ નહીં સકતા. વો બિલકુલ ઠીક હે. તો ગોપી વો ઉસે મિલકર આ રહી હે ના? कैसी है वो? अरे वो शू बोलू बा, मेरी बच्ची बहुत डरी हुई और परेशान थी, पर जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी जान में जान आई. और जैसे मैंने वेवान जी को बोला था, मैंने उस गरोड़िया की अच्छी खबर ली. ओ, यानी आपकी मेरी गोपी वो उसे भेंट हुई वहाँ? हाँ, बेचारी बहुत रो रही थी और उसका रोना सुन के मारो तो कारजू फाटी निकली. और फिर मैंने उस करोड़िया के बच्चे को इतनी खरी खोटी सुनाई. मैंने उसे पूछा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत केवी रीते थी कि मेरी दिकरी के साथ ऐसी बदसलूकी की आपने. अने आपण बोलियो कि वो अब चैन की सांस नहीं ले पाएगा, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी. अने બોલો ગરોડિયા હવે શું બોલે? એકદમ મોડું બંધ. હા, પર ઉસને માફી માંગને કી કોશિશ જરૂર કી, પણ બસ. ઉર્મિલા બેન, મેરી અભી અભી ગોપી વો ઉસે બાત હુઈ. હા, વો સત્ય યે હે કે આપકી રામજી ભાઈ કે ઘર પર ગોપી વો ઉસે કોઈ બાતચીત હી નહીં હો પાઈ. અને બીજી વાત ઉર્મિલા બેન, આપ ક્યા રામજી ભાઈ ગરોડિયા સે માફી મંગવાએંગી? બલ્કિ રામજી ભાઈ નહીં, આપકા અપમાન કિયા. પર ઇતના હી નહીં, ઘર સે બહાર ભી કર દિયા. હા મોટા ભાઈ, યહી સત્ય હૈ. કેમ ઉર્મિલા બેન? હા વેવાન જી, મેરે કહેને કા મતલબ યે થા કે ફક્ત દૂર સે દેખ કે હી ગોપી કો તસલ્લી હો ગઈ થી. અને બીજી વાત વેવાન જી, કે મેને ઉસ ગરોડિયા કે સાથ એક સીમા તક હી બાત કરના ઠીક સમજા, કારણ કે આખિર અપની બચ્ચી ઉસકે ઘર મે હૈ. મોટા ભાભી, મુજે તો સમજ મે નહીં આ રહા હૈ કે ગોપી વો ઇતની સિદ્ધી ક્યું હો ગઈ હૈ. हमने तो कहा कि पैसे देकर ये मामला रफे दफे करते हैं. चिंता मत कर कोकिला वो, ठाकुर जी सब कुछ ठीक करेंगे. हेतल वो, कोकिला वो, मने मारे कमरे तक छोड़ी ने आओ. जी. ये क्या है? शू छे? ई कबूतर ने. अरे वाह, आ तो गुड लक था यू. काहे का गुड लक? आप तो बड़ी चली थी कागड़ी को मात देने, लेकिन उसने तो आपको कच्चा ही चबा दिया. ठीक छे, चली से साफ कर. ओ मम्मी, आपके बालों में भी लगा है. अच्छा, तो हमें आम शू उभी छे. चल ना, मेरे बालों में थोड़ा कंघी करके निकाल दे. चल. लो लो कृतिका बेन, हमारे यहाँ चाय की पत्ती फॉरेन से आती है. पीने तो जो कितनी टेस्टी छे. कृतिका बेन, हूँ तुमने साच्चू बोलू, मैं मोदी परिवार जैसे नहीं हूँ. मैं अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ. मारा घर मा बत्तीज वस्तु इम्पोर्टेड छे, जैसे कि ये चाइना के कप, आ ट्रे, आ फर्नीचर, आपने जो अंदर देखा ना सोफा, वो भी. अरे ना ना कृतिका बेन, आप सिर्फ हमारे इंपोर्टेड कप ही मत देखिए, चाय भी पीजिए. हाँ हाँ, पियो पियो. बताइए ना, गोपी ठीक तो है ना? माने शुकाबर, हाँ, और मुझे क्या पड़ी है?
मुझे तो इस बात की खिसियाट हो रही है कि मैं बाजी हार गई। चालाक लोग भी है। ए मम्मी वहां मत फेंको। क्या है, इसे डस्टबिन में नहीं फेंक सकते? अब फेंक दिया ना, जाने दे। चल जल्दी मेरे बाल बना और नीचे चल के मुझे चाय पिला। चल चल ना ले। ए गोपी, हाथ धो के एक चाय तो बना दे और जरा अच्छी सी बनाना। हेलो एम भाई, अच्छा हुआ आपने मुझे फोन किया। हाँ गोपी बहन वैसे ठीक है, पर ये गरोड़िया तो बड़ा गलत आदमी निकला। ये गोपी बहन से अचार बनवाने के अलावा घर के आलतू फालतू काम भी करवाना चाहता है, और अभी फई भी आई थी, उनसे भी कितनी बदतमीजी से उसने बात की है। एम भाई अब किसी भी तरीके से हमें अपना दूसरा कदम उठाना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स इसने गोपी बहन से साइन कराए वो हमें अपने पास जितनी जल्दी हो सके ले लेने चाहिए। अरे उर्मिला बेन, तुम्हारा मां अटली तो अक्कल होवी चाहिए कि अपने बालों का गुच्छा किसी और के कंपाउंड पे नहीं डालना चाहिए। हाँ, मेरा घर क्या कचरा पेटी है? हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं। वो क्या है, मैंने इन्हें बताया भी था लेकिन वो तब तक। अरे तू इतना क्यों गिड़गिड़ा रही है? मेरे बाल मैं किधर भी डालूं, तुम्हें क्या? अरे वाह, तुम्हारी मर्जी। मैं मेरी सहेली के साथ अपने कंपाउंड में चाय पी रही थी और तभी आपके बालों का गुच्छा मेरी सहेली की चाय की प्याली में गिर गया। छी छी छी, क्यों बाचे राशि? क्या बात है सविता बेन? मने से पूछो चैतल बेन, अपनी वेवन से ही पूछो। उन्होंने अपने बालों का गुच्छा मेरे कंपाउंड में फेंका, वो भी मेरी सहेली की चाय की प्याली में आकर गिरा। अरे मोटी बहन, हवा उड़ा के ले गई तो इसमें मेरी क्या गलती? उर्मिला बहन, सविता बहन, उर्मिला बहन की तरफ से हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। मेहरबानी करके इस मामले को यहीं खत्म कीजिए। ठीक जी, ठीक जी। वैसे कोकिला बेन, तुम्हारी राशि बहु तो यहाँ छे, बीची गोपी बहु कहीं दिखाई नहीं दे रही। बाहर गई केम? अच्छा अच्छा, डॉक्टर के पास गई होगी। अब वो डॉक्टर के पास जाए या किधर भी जाए तुम्हारे शू। सविता बेन, उर्मिला बेन की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे क्षमा भी मांग ली, गोपी बहु की आपने खबर पूछी, उसके बारे में भी बताया गया, तो आप जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। देवान जी, तुम्हें खातरी रख जो हमारे घर के राज की मैं किसी को हवा तक नहीं लगने दूंगी। हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं होती अगर आप इस तरह की हरकतें न करती। Thank you.